सभी लोग का शिक्षा कुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो सभी बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने बच्चों आपसे कहा था कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए यूपी पुलिस के टॉप 30 PYQ सीरीज का जो यहां पर हम लोगों ने जो आपसे वादा किया था विद्यार्थियों, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लेकर हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैथ के भी यहाँ पर क्लासेज हो चुकी हैं, रीजनिंग की भी क्लासेज हो चुकी हैं, अब बारी है आपकी GK GS की। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यूपी पुलिस में पूछे गए PYQ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आज हम लोग क्या करेंगे, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ऐसे भी क्वेश्चन जब आपको ना आए तब उसको आप कैसे हैंडल करेंगे क्वेश्चन को सही करने की। तो सारे विद्यार्थीगण एक बार जरा इस सेशन से जुड़ जाएंगे, और साथ ही साथ बच्चों इस सेशन को एक बार जरा सभी विद्यार्थीगण लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने साथियों को बच्चों क्या कर दीजिए, फटाक से बच्चों इस सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, वो भी इस सेशन से जुड़ जाएं। बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद ये सेशन होने वाला विद्यार्थियों, तो सारे विद्यार्थीगण एक बार यहां पर जुड़ जाएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां पर होने वाले हैं विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में भी जो है आ सकते हैं या आने की संभावना हो सकती है। तो सारे विद्यार्थीगण इस बात को यहां पर ध्यान देंगे, हम लोग बच्चों यहां पर सारे सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अभी तक, उनको हम लोग क्या करेंगे, शानदार तरीके से यहां पर जो कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सारे विद्यार्थीगण एक बार जुड़ जाइए, फटाफट जरा एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, सारे साथीगण एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए विद्यार्थियों। तो चलिए बच्चों हम लोग जो है बिना देरी के वो चलते हैं, बिना देरी के वो चलते हैं बच्चों। और आप सभी लोगों को बच्चों यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों कि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बच्चों यहाँ पर आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज के नाम से विद्यार्थियों करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक GK के साथ विद्यार्थियों क्लास आपकी आयोजित की जाती है, और ये क्लास बच्चों हमारी मंडे टू सैटरडे विद्यार्थियों क्लास चलती है, जहाँ पर हमारे सभी योद्धागण बच्चों साढ़े आठ बजे विद्यार्थियों यहाँ पर हमारी क्लास पर डे चलती है। तो सारे विद्यार्थी यहाँ पर 8:30 बजे की क्लास में उपस्थित हुआ करें विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आपको करंट अफेयर्स के साथ ही साथ सारा कुछ बच्चों जो भी स्टैटिक GK वाले पार्ट में आता है हम लोग यहाँ पर कवर कराने का प्रयास करते हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त सीरीज है बच्चों, आप लोग क्लास देखिएगा, अभी तक 33 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थीगण जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जो भी एग्जाम देंगे, एक बार जितना भी करंट अफेयर्स अभी तक आपको पढ़ा दिया गया है, सारे जो है वीडियोस को स्पीड में बढ़ाकर फटाफट जो है यहां पर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों यहां पर देखिए यूपी पुलिस के एग्जाम में विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 1 की क्या डिमांड की गई है, और ये क्वेश्चन जरा मुझे ये बताइए, सारे विद्यार्थीगण एक बार कमेंट करके सारे विद्यार्थीगण बताएंगे ये जो क्वेश्चन है आपके किस सब्जेक्ट से मुख्य रूप से बच्चों पूछा गया है। तो सारे विद्यार्थीगण यहां पर फटाफट जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो यहां पर बच्चों आपको दिख रहा होगा, यहां पर शब्द से ही मालूम चल रहा होगा क्वेश्चन की डिमांड है कि निम्न में से कौन सा बच्चों स्थल है जो नवपाषाण युग का सबसे प्राचीनतम बच्चों यहां पर प्रमाण जो है प्रस्तुत करता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों मुख्य रूप से यहां पर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हिस्ट्री में बच्चों आपके एंशियंट हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों जरा क्वेश्चन का जरा आंसर देने का प्रयास करिए, बहुत ही सुंदर रिस्पॉन्स, और सभी साथीगण यहां पर फटाफट जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल यहां पर विद्यार्थियों, यहां पर देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पर बच्चों बात की जा रही मुख्य रूप से आपके नवपाषाण काल की, जैसे पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, और नवपाषाण काल हो गया बच्चों। तो यहां पर बच्चों अगर बात किया जा रहा है, यहां पर मुख्य रूप से बात की जा रही बच्चों नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल की विद्यार्थियों यहां पर बात की जा रही है, नवपाषाण युग की बात की जा रही है। तो इस नवपाषाण काल का बच्चों यहां पर सबसे प्राचीनतम पूछा जा रहा है बच्चों, सबसे पुराना जो प्रमाण हमें प्राप्त होता है, प्राचीनतम विद्यार्थियों यहां पर प्रमाण की जो है बात की जा रही है, प्राचीनतम प्रमाण बच्चों कौन प्रस्तुत करता है। यहां पर बच्चों आपके पास ऑप्शन है चिरांद, यहां पर मेहरगढ़, और यहां पर बुरजहोम, और यहां पर बच्चों आपका डी ऑप्शन है दैमाबाद। तो यहां पर बच्चों आप लोग देखोगे कि ये दैमाबाद तो बच्चों मुख्य रूप से आपकी जब सिंधु सभ्यता आप लोग जब पढ़ते हो बच्चों,
इंडस सिविलाइजेशन जब विद्यार्थियों आप लोग पढ़ते हो तो बच्चों सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद, और बच्चों मुख्य रूप से किस राज्य में बच्चों, ये मुख्य रूप से बच्चों आपके महाराष्ट्र राज्य में है। जबकि आपका बुर्ज होम बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे, बुर्ज होम एवं गुफ कराल ये ऐसे दो स्थल हैं बच्चों जो आपके मुख्य रूप से कहां पर थे बच्चों, ये आपके जम्मू कश्मीर में विद्यार्थियों। और यहां पर मेहरगढ़ विद्यार्थियों कहां पर था, मेहरगढ़ बच्चों 9-5-8 जो स्थल था ये मेहरगढ़ बच्चों कहां पर है, ये इसका जो लोकेशन है कहां पर है, तो सभी विद्यार्थीगण देखो मेहरगढ़ बच्चों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर, कहां पर बच्चों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर बच्चों, सारे विद्यार्थीगण याद रखिएगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर बच्चों ये आपका मेहरगढ़ जो है अवस्थित है। और चिरांद कहां पर बच्चों, चिरांद बच्चों ये आपके बिहार में, आप लोग जानते होंगे बिहार में बच्चों जो चिरांद है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है बच्चों कि नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण बच्चों कहां से प्राप्त होता है, तो सभी विद्यार्थियों आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान के बच्चों बलूचिस्तान प्रांत पर अवस्थित बच्चों मेहरगढ़ से, सारे साथीगण याद रखिएगा मेहरगढ़ से ही बच्चों, आपके मेहरगढ़ से ही, मेहरगढ़ से बच्चों यहाँ पर नवपाषाण काल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बच्चों यहाँ पर देखने को प्राप्त होती है। क्योंकि बच्चों मेहरगढ़ से ही नवपाषाणिक बस्तियाँ हमें, नवपाषाणिक बच्चों यहाँ पर हमें बस्तियाँ जो है देखने को प्राप्त होती है मेहरगढ़ से ही, सभी साथीगण यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बच्चों आपके जो कृषि का जो प्रथम जो उदाहरण है यहाँ पर बच्चों, जो कृषि का जो प्रथम जो उदाहरण हमें जो प्राप्त होता है प्राचीनतम उदाहरण, तो सभी साथीगण याद रखिएगा कृषि का जो प्रथम जो उदाहरण हमें जो प्राप्त होता है बच्चों इसी मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त होता है। और इसी मेहरगढ़ से विद्यार्थियों आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर बच्चों हमें मुख्य रूप से पहले गेहूं एवं चावल के स्पष्ट प्रमाण यहाँ से हमें जो है क्या प्राप्त होते हैं, ये सारे साथीगण यहाँ पर जो है याद रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम प्रमाण बच्चों हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सभी साथीगण याद रखेंगे कहाँ से, मेहरगढ़ से जो है प्राप्त होता है। तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो यहाँ पर जो आंसर था विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका जो आंसर था यहाँ पर राइट आंसर बच्चों क्या था, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। लेकिन बच्चों यहां पर देखिए आपको मैंने बताया कि दैमाबाद बच्चों सिंधु जो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो विस्तार था दक्षिणी सीमा, देखिए बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या बच्चों ये अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता का विस्तार बच्चों कहां से कहां तक था, तो सभी विद्यार्थीगण आप लोग जानते होंगे कि सिंधु सभ्यता का ये जो विस्तार था बच्चों उत्तर में जो मांडा से लेकर के, उत्तर में विद्यार्थियों मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद तक, दक्षिण में बच्चों दैमाबाद तक विस्तार था। और यहाँ पर अगर बात करें बच्चों पश्चिम में कहाँ से लेकर बच्चों, पश्चिम में सुतकांगेडोर से बच्चों, पश्चिम में सुतकांगेडोर से, ये बच्चों आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में याद रखिएगा सुतकांगेडोर से बच्चों ये कहाँ पर है, ये आपके बलूचिस्तान में, इस सारे विद्यार्थीगण याद रखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर पूरब में कौन सी सीमा थी बच्चों यहाँ पर सिंधु सभ्यता की, तो सारे विद्यार्थीगण जानते होंगे आलमगीरपुर, क्या बच्चों आलमगीरपुर बच्चों कहाँ पर है, आलमगीरपुर ये आप सभी लोग जानते हो बच्चों उत्तर प्रदेश के मेरठ पर जो है अवस्थित है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपकी सिंधु सभ्यता का विस्तार बच्चों उत्तर दिशा में बच्चों यहाँ पर मांडा से लेकर के दक्षिण में बच्चों दायमाबाद तक, और पश्चिम में विद्यार्थियों यहाँ पर सुतकांगेडोर से लेकर के आलमगीरपुर यहाँ पर उत्तर प्रदेश तक यहाँ पर आपके सिंधु सभ्यता का विस्तार पाया जाता था। और यहाँ पर बच्चों ये जो पश्चिम से पूरब जो विस्तार है बच्चों ये कितने किलोमीटर का बच्चों याद रखिएगा, ये 1600 किलोमीटर का विस्तार है, जबकि बच्चों उत्तर से यहाँ पर दक्षिण जो विस्तार था ये 1400 किलोमीटर बच्चों सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था। और मांडा कहाँ पर स्थित बच्चों याद रखिएगा, ये आपके जम्मू कश्मीर पर स्थित बच्चों, और मांडा किस नदी के पास स्थित बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम विद्यार्थियों चेनाब नदी, क्या नाम बच्चों
चेनाब नदी, जबकि सुतकांगे डोर बच्चों किस नदी के पास स्थित है बच्चों? तो याद रखिएगा यहां पर एक नदी है दाश्क नदी। क्या बच्चों? आपकी दाश्क नदी है। तो सारे विद्यार्थीगण यहां पर इस बात को भी यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर आपकी दाश्क नदी है। और दैमाबाद बच्चों कहां पर? ये आपके महाराष्ट्र में है बच्चों। और यहां पर अगर नदी की बात किया जाए तो बच्चों गोदावरी नदी है। कौन सी नदी बच्चों? गोदावरी नदी। और आलमगीरपुर बच्चों ये जो मेरठ पर, ये बच्चों यहां पर जो पूर्वी सीमा है सिंधु सभ्यता की, यहां पर बच्चों कौन सी नदी थी बच्चों? तो याद रखिएगा बच्चों यहां पर आपकी नदी थी हिंडन नदी। कौन सी नदी विद्यार्थियों? हिंडन नदी। तो ये सिंधु सभ्यता का विस्तार था बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के बच्चों उत्तरी सीमा क्या थी, दक्षिणी सीमा क्या थी, पश्चिमी सीमा क्या थी और पूर्वी सीमा क्या थी, ठीक है? जबकि बच्चों यहां पर जो आपका जो चिरांद है ये बिहार में बच्चों, यहां पर हड्डी के उपकरण बच्चों, यहां पर बच्चों चिरांद से मुख्य रूप से हड्डी के उपकरण बच्चों यहां पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? हड्डी के बने उपकरण बच्चों यहां से क्या हमें प्राप्त होते हैं? चिरांद से, ठीक है? जबकि बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में बच्चों, यहां से बच्चों मुख्य रूप से हमें गर्तवाश और मृदभांड, सभी विद्यार्थीगण याद, गर्तवाश और मृदभांड और औजार के अवशेष हमें बच्चों यहां पर औजार के साथ से यहां से क्या प्राप्त होते हैं? सारे विद्यार्थीगण यहां पर याद रखिएगा। और दैमाबाद बच्चों ये आपके महाराष्ट्र पर है, ठीक है? तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण है बच्चों कहां से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर क्या है बच्चों? मेहरगढ़ से। तो यहां पर सारे साथियों का जो राइट आंसर था बी ऑप्शन, यहां पर क्या है राइट आंसर था, ठीक है? तो यहां पर बच्चों आप लोगों ने देखा और समझा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जरा सेकंड पर सारे साथीगण आएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर यहां पर बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर जरा सेकंड पर जरा सभी विद्यार्थीगण यहां पर नजर डालेंगे। एक तरफ बच्चों यहां पर लिखा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, और दूसरी तरफ बच्चों यहां पर किस स्थान के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, पतन, हल के चिन्ह, ग्रेट बाथ। मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं आता है, हम मान के चलते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है, लेकिन जब आप विद्यार्थी प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा बच्चों, तो यहां पर बच्चों एक बात जरूर आपको पढ़ाई आती है कि सिंधु सभ्यता में बच्चों सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन था? सिंधु सभ्यता का बच्चों अगर हम बात करें इंडस सिविलाइजेशन की, तो यहाँ पर बच्चों एक बंदरगाह बच्चों हमें बंदरगाह का जो साक्ष्य मिलता है, तो बंदरगाह का जो साक्ष्य हमें जो प्राप्त होता बच्चों कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल था बच्चों जहाँ से हमें बंदरगाह के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो सभी विद्यार्थी अगर जानते हो, ये बात तो जरूर जानते हो, मैं समझता हूँ, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा कि आपने एंशियंट हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता को नहीं पढ़ा है। गुजरात में स्थित बच्चों एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है लोथल। क्या नाम बच्चों? लोथल, आप सब लोग जानते होंगे। तो लोथल बच्चों ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख जो है बंदरगाह जो है बच्चों स्थल था, जहां से हमें बच्चों बंदरगाह के साक्ष्य बच्चों यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं? और ये बच्चों मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है स्थल? ये आपके गुजरात राज्य का प्रमुख स्थल है। एक बात तो यहां पर आपको जो है मालूम हो गई कि बच्चों यहां पर जो बच्चों यहां पर जो बंदरगाह है, जो पतन है, बंदरगाह कहो या बच्चों इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, इसे फिर पतन कहो, बतन या बंदरगाह, कि बच्चों ये साक्ष्य कहां से मिलता है हमें? गुजरात के लोथल से। तो यहां पर बच्चों देखिए लोथल में यहां पर एक बात तो समझ में आ गई कि डी का ऑप्शन बच्चों यहां पर क्या दो है, ठीक है? डी ऑप्शन का यहां पर आंसर क्या होगा? दो। तो यहां पर देखिए किसी ऑप्शन में डी का यहां पर दूसरा ऑप्शन है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा विद्यार्थियों कि पहला ही ऑप्शन है जहां पर डी का ऑप्शन दो है। तो यहां पर देखो विद्यार्थियों, आपको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अगर आपने सच में हिस्ट्री पढ़ा होगा, एंशियंट हिस्ट्री, तो इतना तो जरूर सुना होगा कि सिंधु सभ्यता में बच्चों एकमात्र जो है एक ऐसा साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था जहां पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ये बच्चों ये आपका क्या था? गुजरात का लोथल। तो यहां पर बच्चों इस आधार पर देखोगे तो यहां पर डी का और दूसरा कोई है नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा।
इसी को कहते हैं बच्चों कैसे को आंसर को इलिमिनेट करते हैं, कैसे आप सही आंसर तक पहुंचते हैं। यही है बच्चों यहाँ पर आपका साइंटिफिक तुक्का लगाने का तरीका भी और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी। ऐसा नहीं कि बस एक ऑप्शन बी बी मार दो, ये बिल्कुल नहीं बच्चों, इसमें आप निगेटिव पहुँच सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो बच्चों आपके 90% चांसेज हैं कि आपका क्वेश्चन हर हाल में सही होगा, गलत होगा ही नहीं। और फिर अगर मान लीजिए ये भी नहीं जानते हैं, अगर मान लीजिए ये भी नहीं जानते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा बच्चों या जाना होगा कि बृहद स्नानागार, बच्चों बृहद स्नानागार कहां पर पाए गए, तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों पाकिस्तान के सिंधु प्रांत पर अवस्थित मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार पाए गए। तो देखिए यहां पर ग्रेट बात लिखा है, तो यहां पर देखिए ए नंबर का क्या हो जाता, 4 ऑप्शन। अगर आपको मान लीजिए ये मालूम होता तब भी आंसर तक पहुंच जाते, कैसे, देखिए ए का 4 कहीं पर दिख रहा है, ए का 4 इसी में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहां पर एक बात आपको मालूम चल गई बच्चों कि यहां पर आंसर तो बच्चों क्या है, ए ऑप्शन यहां पर सारे विद्यार्थियों का यहां पर राइट होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर बच्चों देखिए मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो बच्चों कहां पर है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के बच्चों मुख्य रूप से सिंधु प्रांत पर है, और हड़प्पा बच्चों पाकिस्तान के बच्चों ये आपके सीए जो है पंजाब प्रांत पर, और कालीबंगा राजस्थान में, लोथल आपका गुजरात में है। तो लोथल पतन के लिए कालीबंगा बच्चों यहां पर जो है आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे ध्यान दीजिएगा, ये हल के चिन्ह हमें यहां पर बच्चों प्राप्त होते हैं, जबकि बच्चों मोहनजोदड़ो से ग्रेट बात और हड़प्पा से बच्चों यहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रेस्ट, ठीक है। तो यहां पर बच्चों देखिए मोहनजोदड़ो कहां पर अवस्थित है, जरा सारे साथीगढ़ यहां पर जरा लोकेशन बताइए कि बच्चों आपका मोहनजोदड़ो, बच्चों आपका जो मोहनजोदड़ो है सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो बच्चों कहां पर अवस्थित, कहां पर है बच्चों आपके पाकिस्तान के, वर्तमान के पाकिस्तान के बच्चों सिंधु प्रांत पर, ठीक है। जबकि बच्चों आपका हड़प्पा स्थल बच्चों कहां पर था, तो हड़प्पा स्थल की बात करें बच्चों तो ये पाकिस्तान के बच्चों पंजाब वाले प्रांत पर जो अवस्थित था। फिर यहाँ पर और क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका कालीबंगा कहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि आपका जो काली जो बंगा है बच्चों, आपका जो कालीबंगा है ये बच्चों आपके राजस्थान में है, कहाँ पर बच्चों, ये आपके राजस्थान राज्य में है, और बच्चों यहाँ पर आपका जो लोथल है ये बच्चों आपके गुजरात राज्य में, कहाँ पर बच्चों, ये आपके गुजरात राज्य में। तो सारे साथीगढ़ यहाँ पर इस बात को भी यहाँ पर क्या है ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी विद्यार्थियों का जो आंसर है क्या है बच्चों, ए ऑप्शन यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या है राइट आंसर है, ए ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर। किसी कोई समस्या जल्दी जरा कमेंट करके बताएं विद्यार्थियों, अगर किसी विद्यार्थी कोई समस्या हो तो एक बार सारे विद्यार्थीगढ़ यहाँ पर कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर यहाँ पर चलते हैं विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थीगण नजर डालेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर थर्ड की डिमांड क्या बच्चों, देखिए कि निम्नलिखित में से बच्चों किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की बच्चों पहली खगोली वेधशाला जो है पाई गई है। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता की पहली जो खगोली जो वेधशाला थी बच्चों कहां पर पाई गई है बच्चों, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगन, जो कि आपके राजस्थान में है, और आप लोगों ने देखा था बच्चों कालीबंगा से मुख्य रूप से बच्चों यहां पर क्या प्राप्त हुआ था बच्चों, यहां पर हल के बच्चों यहां पर जो खेत जोतने वाला जो हल था, हल के चिन्ह जो है प्राप्त हुए हैं, आप लोगों ने देखा भी, ठीक है, यहां पर हल के चिन्ह बच्चों यहां पर आपको प्राप्त हुए हैं, और यहां पर धौलावीरा गुजरात, गोलाधोरो गुजरात, लोथल गुजरात, और यहां से बच्चों लोथल से आप लोगों ने देखा बच्चों यहां पर बच्चों ये प्रमुख बंदरगाह नगर था, ये बच्चों प्रमुख बंदरगाह नगर था, पतन की जानकारी प्राप्त होती है। और यहां पर बच्चों आपके पास ऑप्शन बचता है बी और सी, तो यहां पर बच्चों जो पहली जो खगोली जो वेधशाला है इसकी जो जानकारी विद्यार्थियों हमें जो प्राप्त होती है, सारे साथीगढ़ याद रखेंगे, इसकी जानकारी बच्चों हमें धौलावीरा से प्राप्त होती है, कहां से बच्चों, धौला
वीरा से बच्चों यहाँ पर हमें इसकी जानकारी जो प्राप्त होती है। और धौलावीरा मुख्य रूप से कहाँ पर बच्चों, आपके गुजरात में ही है। तो यहाँ पर बच्चों पूछा गया था पहली खगोली वेधशाला का जो यहाँ पर हमें जो साक्ष्य जो प्राप्त हुआ बच्चों कहाँ से, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर जो आंसर था बच्चों, आप सभी लोगों का आंसर क्या था, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर था। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का लगभग आंसर राइट है। बहुत ही सुंदर प्रयास विद्यार्थियों, गुड बाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा चार पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर चार में बच्चों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर चार की क्या डिमांड है बच्चों, क्वेश्चन की डिमांड है बच्चों किन तीन वेदों को बच्चों यहाँ पर, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। तो सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर बताइए, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आप लोगों ने चार प्रकार के वेद पढ़ा होगा और चार प्रकार के उपवेद पढ़ा होगा। तो बच्चों चार आपके वेद कौन कौन से हैं, सभी विद्यार्थीगण जरा एक बार कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। तो बच्चों आपका पहला वेद हो गया ऋग्वेद हो गया विद्यार्थियों, आपका पहला वेद ऋग्वेद हो गया। और दूसरा वेद बच्चों क्या हो गया आपका, सामवेद हो गया बच्चों, दूसरा वेद हो गया आपका सामवेद। और तीसरा वेद हो गया बच्चों आपका यजुर्वेद, क्या बच्चों, तीसरा वेद हो गया आपका यजुर्वेद। और चौथा प्रमुख एक वेद है जिसका नाम बच्चों अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद यहाँ पर बच्चों बात की जा रही है, अथर्ववेद यहाँ पर वेद त्रयी, इसका मतलब क्या, इसको अगर तोड़ोगे बच्चों यहाँ पर वेद त्रयी को छोड़ोगे, तोड़ोगे अगर ब्रेकडाउन करोगे तो वेद प्लस त्रयी, इसका मतलब ये बच्चों कि ऐसे तीन वेद हैं जिनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए वेद त्रयी में बच्चों कौन कौन से सम्मिलित है, तो यहाँ पर सारे विद्यार्थीगण इस बात को याद किया, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा वेद को बच्चों यहाँ पर मुख्य रूप से बच्चों इन्हें जो वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चों, पहला दूसरा और तीसरा वेद को बच्चों इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सारे विद्यार्थीगण याद रखिएगा, इन्हें बच्चों हम लोग वेद त्रयी के नाम से बच्चों इनको जानते हैं, इनको जो है वेद त्रयी की संज्ञा बच्चों दी जाती है। और यहाँ पर बच्चों ऋग्वेद के पुरोहित को बच्चों किस नाम से जाना जाता था, जो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उन्हें किस नाम से विद्यार्थियों जाना जाता था, तो ऋग्वेद के पुरोहित को बच्चों यहाँ पर हम लोग होता के नाम से जानते थे, होत्र या होता, सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे, होत्र या होता के नाम से विद्यार्थी इनको क्या जानते थे। जबकि सामवेद के बच्चों पुरोहित को किस नाम से जानते थे बच्चों, उद्गाता के नाम से बच्चों, उद्गाता के नाम से जानते थे। जबकि यजुर्वेद के पुरोहित को बच्चों अर्ध आयु के नाम से बच्चों इनको क्या जानते थे। और अथर्ववेद के बच्चों यहाँ पर पुरोहित को किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मा के नाम से बच्चों, इनके पुरोहित को ब्रह्मा के नाम से बच्चों जाना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों वेद त्रयी के अंतर्गत किसको शामिल किया गया, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद को। तो यहाँ पर बच्चों देखिए किसी ऑप्शन में है ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद, तो इस आधार पर आप लोग देख रहे हो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बच्चों क्या है आपका, सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या राइट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पर सारे विद्यार्थी अगर एक बार जरा कमेंट बॉक्स में जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थीगण, बहुत ही सुंदर प्रयास, वेरी गुड। और सारे विद्यार्थी आंसर देंगे, बिल्कुल विद्यार्थियों ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा पाँच पर आप सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच पर यहाँ पर बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा जा रहा है बच्चों कि पुरुष सूक्त किस वेद का बच्चों यहाँ पर एक मंत्र संग्रह है, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद। तो सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि ऋग्वेद में अगर बात करूं बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपके ऋग्वेद की विद्यार्थियों अगर बात करूं तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं विद्यार्थियों, तो आप सभी लोग जानते हो कि ऋग्वेद में कुल बच्चों आपके 10 मंडल हैं। कितने मंडल बच्चों, 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 जो मंडल हैं बच्चों ये सबसे प्राचीनतम मंडल हैं बच्चों, सबसे प्राचीनतम मंडल हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो ऋग्वेद का जो 10वां जो मंडल है, सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चों आपका जो 10वां जो मंडल है यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों,
यहाँ पर बच्चों जो आपका दसवां जो मंडल है, दसवां मंडल में ही बच्चों यहाँ पर पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बच्चों इसी मंडल में पुरुष सूक्त का, बच्चों याद रखिएगा, पुरुष सूक्त का विद्यार्थियों यहाँ पर क्या वर्णन जो है किया गया है। और बच्चों इसी पुरुष सूक्त में बच्चों यहाँ पर हमें वर्ण व्यवस्था की भी क्या है जानकारी प्राप्त होती है। इसी पुरुष सूक्त में बच्चों हमें वर्ण व्यवस्था की भी क्या जानकारी जो है प्राप्त होती है। तो पूछा जा रहा है पुरुष सूक्त बच्चों किस वेद में मुख्य रूप से इसका संग्रह किया गया है, तो याद रखिए बच्चों मुख्य रूप से ऋग्वेद के दसवें मंडल में बच्चों हमें इसका वर्णन जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या था आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर सारे साथी गणों का यहाँ पर क्या है राइट आंसर था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आपका राइट आंसर था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर जरा सिक्स पर सारे विद्यार्थीगण नजर डालेंगे। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपके संविधान से पूछा गया है, और संविधान में बच्चों कहाँ से पूछा गया है, जब आपके संविधान का विद्यार्थियों जब निर्माण किया जा रहा था, जब यहाँ पर बच्चों आपका प्रमुख उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद बच्चों संविधान के निर्माण करने के लिए विभिन्न समितियों का यहाँ पर गठन किया गया था। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा की बच्चों यहाँ पर प्रारूप जो समिति है इसके अध्यक्ष जो है कौन थे। तो बच्चों यहाँ पर बात की जा रही ड्राफ्टिंग कमेटी की, मींस प्रारूप समिति की। तो यहाँ पर बच्चों बात की जा रही प्रारूप समिति की, मींस ड्राफ्टिंग जो है कमेटी की। तो बच्चों प्रारूप समिति का पहले ये बताइए बच्चों कि प्रारूप समिति का बच्चों इसका गठन जो है कब किया गया था, इसका बच्चों गठन जो है कब किया गया था। तो सारे साथी गण जानते हो कि इसका गठन 29 अगस्त 1947 को बच्चों इसका गठन किया गया था। और इस प्रारूप समिति की बच्चों रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, इसकी रिपोर्ट विद्यार्थियों कब प्रस्तुत की गई थी, तो आप सभी लोग जानते हो 21 फरवरी बच्चों 1948 को इसकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। और इस प्रारूप समिति के बच्चों कुल सदस्य कितने थे, कुल यहाँ पर बच्चों सदस्यों की अगर बात किया जाए, कुल सदस्यों की बच्चों यहाँ पर संख्या यहाँ पर कितनी थी, कुल सदस्यों की यहाँ पर संख्या विद्यार्थियों कितनी थी, तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों कुल सदस्यों की जो संख्या थी बच्चों कितने थे, 7 सदस्य थे। तो यहाँ पर बच्चों कौन कौन 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर बच्चों आपको मालूम चलेगा कि बच्चों यहाँ पर इसके 7 अगर मैं सदस्यों की बात करूँ, तो बच्चों यहाँ पर आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बच्चों, याद रखिएगा प्रारूप समिति के विद्यार्थियों, इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बच्चों, इस समिति के जो है बच्चों क्या थे अध्यक्ष थे, ये बात आप सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे। और दूसरे प्रमुख सदस्य कौन थे बच्चों, यंग गोपाल स्वामी आयंगर, क्या नाम बच्चों, यंग गोपाल स्वामी आयंगर बच्चों, यंग गोपाल स्वामी आयंगर बच्चों यहाँ पर ये दूसरे सदस्य हैं। और तीसरे सदस्य बच्चों यहाँ पर देखिए और 7 सदस्य हैं, और बच्चों यहाँ पर सर अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, सर अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर बच्चों, जिन्हें हम लोग एके अय्यर के नाम से भी जानते हैं, सर अल्लादि कृष्णा स्वामी, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है इसलिए भूल जाओगे, सर अल्लादि कृष्णा स्वामी, सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे सर अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर जी बच्चों इसके भी क्या है सदस्य थे, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। और चौथे सदस्य कौन थे बच्चों, यहाँ पर चौथे सदस्य की बात करूँ तो यहाँ पर बच्चों आपके सर सैयद मोहम्मद शादुल्ला जी ठीक है, सर सैयद मोहम्मद शादुल्ला बच्चों यहाँ पर इसके क्या है प्रमुख जो सदस्य थे। और यहाँ पर पांचवें सदस्य विद्यार्थियों कौन थे, तो पांचवें सदस्य विद्यार्थियों यहाँ पर याद रखिएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के एम मुंशी के नाम से जानते हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के नाम से बच्चों जाना जाता है। और यहाँ पर बच्चों अगर बात करें छठे सदस्य बच्चों कौन थे, तो यहाँ पर बच्चों छठे सदस्य बच्चों पहले जो है बी एल मित्र थे बच्चों,
पहले यहाँ पर बच्चों बी एल मित्र जी थे, बी एल मित्र जी थे बच्चों, लेकिन बच्चों इनकी किसी कारण वजह से इनकी जब मृत्यु हो गई तो बी एल मित्र के स्थान पर बच्चों आए थे कौन, एन माधव राय। कौन बच्चों, एन माधव राव जी आए थे बच्चों, यहाँ पर इनके स्थान पर आए थे बच्चों एन माधव राव जी। और सातवें बच्चों यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डी पी खेतान। क्या नाम था बच्चों, डी पी खेतान नाम था इनका, डी पी खेतान नाम था। और इनकी भी बच्चों मृत्यु हो गई थी तो इनके स्थान पर कौन आया था बच्चों, टी टी कृष्णा माचारी जी। कौन बच्चों, टी टी कृष्णा माचारी जी बच्चों, टी टी कृष्णा माचारी जी बच्चों यहाँ पर इनके स्थान पर शामिल हुए थे। ये सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर इस बात को क्या है ध्यान देंगे, टी टी कृष्णा माचारी जी बच्चों यहाँ पर शामिल हुए थे। तो प्रारूप समिति के बच्चों 7 सदस्य थे, यहाँ पर बच्चों पूछा गया अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर सारे जो विद्यार्थियों का जो आंसर था विद्यार्थियों यहाँ पर आप सभी लोग आंसर क्या था बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का राइट आंसर था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच्चों इस समिति के जो है प्रमुख अध्यक्ष थे। अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसका मतलब ये है आपको जानना जरूरी है कि प्रारूप समिति के प्रमुख जो कौन कौन सदस्य थे, तभी क्वेश्चन आप लोग यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, यहां पर क्वेश्चन नंबर जरा 7 पर हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर जरा 7 पर यहां पर विद्यार्थी नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर जरा 7 पर सारे विद्यार्थीगण यहां पर नजर डालेंगे और आंसर देने का भी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया बच्चों कि निम्नलिखित में से बच्चों किस अनुच्छेद में मींस किस आर्टिकल में बच्चों इंडिया को बच्चों यहां पर भारत कहा गया है। तो सभी विद्यार्थीगण यहां पर जरा आंसर दीजिए कि बच्चों किस अनुच्छेद में बच्चों यहां पर इंडिया को भारत कहा गया है। तो सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि अनुच्छेद 1 में बच्चों भारत के प्रमुख 3 राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, एक राज्य क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरे ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय केंद्र सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, और इसी अनुच्छेद 1 में ही कहा गया बच्चों भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत क्या बच्चों राज्यों का बच्चों संघ है। इसी अनुच्छेद 1 में ही बच्चों कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और इसी अनुच्छेद 1 में ही विद्यार्थियों यहां पर कहा गया इंडिया दैट इज भारत। क्या बच्चों, इंडिया दैट इज भारत बच्चों, इसका मतलब क्या है, इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब यह है बच्चों यहां पर इंडिया दैट इज भारत, इंडिया यानी कि भारत। तो याद रखिए बच्चों आपके संविधान में इंडिया शब्द का भी वर्णन किया गया है और भारत शब्द का ही वर्णन किया गया है। तो यहां पर बच्चों पूछा गया इंडिया को भारत भी कहा जाता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, लेकिन अनुच्छेद 2 में क्या है बच्चों, अनुच्छेद 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 में बच्चों नए राज्यों की स्थापना करना, नए राज्यों क्या करना बच्चों, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का बच्चों प्रवेश एवं गठन की बात की जाती है, नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन की जो है बात की जाती है, मुख्य रूप से कैसे नए राज्यों के बच्चों जो भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है, जो बच्चों अभी भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है, जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है उनमें से बच्चों नए राज्यों के प्रवेश यहाँ पर और गठन की बात की जा रही है, जबकि अनुच्छेद 3 में भी बच्चों यहाँ पर नए राज्यों की स्थापना की बात की जाती है, नए राज्यों की स्थापना करना, लेकिन बेसिक अंतर क्या है बच्चों, जो भारतीय संघ का हिस्सा है, जैसे तेलंगाना का 2014 में निर्माण किया गया था तो ऑलरेडी भारतीय संघ के हिस्से से ही नए राज्य की स्थापना की गई थी, तो नए राज्य की स्थापना करना बच्चों जो भारतीय संघ का हिस्सा है। ठीक है, जो भारतीय संघ का बच्चों क्या है, हिस्सा है, यहां पर सारे विद्यार्थीगण जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है बच्चों यहां पर, और यहां पर जो भारतीय संघ का बच्चों हिस्सा है,
यहाँ पर बेसिक अंतर बच्चों यही है। और अनुच्छेद बच्चों यहाँ पर चार में क्या, अनुच्छेद चार में कहा गया है कि बच्चों यहाँ पर संसद को पावर दिया गया कि आर्टिकल दो और तीन में यहाँ पर बच्चों संशोधन जो है करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है, किसको, संसद को बच्चों यहाँ पर प्रदान की गई। और बच्चों यहाँ पर नए राज्यों के नाम सीमा में जो परिवर्तन है बच्चों किस अनुच्छेद में, तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा अनुच्छेद तीन में ही बच्चों यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे कि बच्चों यहाँ पर आपके अनुच्छेद तीन में ही नए अनुच्छेद तीन में ही बच्चों राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन। तो सारे विद्यार्थीगण याद रखिएगा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में जो परिवर्तन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, परिवर्तन बच्चों यहाँ पर किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया विद्यार्थियों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद तीन में ही बच्चों इस बात का यहाँ पर क्या है उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है, तो यहाँ पर सारे जो साथियों का, यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का आंसर क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही शानदार आंसर, बहुत ही बढ़िया। सारे विद्यार्थीगण कमेंट करते रहेंगे लगातार, सारे साथीगण यहाँ पर कमेंट जो है करते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर आठ पर बच्चों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आठ यहाँ पर बच्चों क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आठ में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों यहाँ पर देखिए सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों आपसे कि जो है क्वेश्चन नंबर आठ कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर बच्चों भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष जो है कौन जो है बना था। तो यहां पर सारे साथीगण एक बार कमेंट करके फटाफट जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर। चलिए तो यहां पर बच्चों जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर बच्चों यहां पर भारत की संविधान सभा का बच्चों अध्यक्ष कौन बना था। तो यहां पर बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे कि बच्चों जब आपके संविधान का जब निर्माण जब किया जा रहा था तो उसके लिए बच्चों के विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जा रहा था। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि 9 दिसंबर 1946 को बच्चों संविधान सभा की बच्चों पहली बैठक का विद्यार्थियों यहां पर क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि आपके संविधान सभा की जब पहली बैठक का जब आयोजन किया गया था तो इस समय हमारे संविधान में बच्चों यहां पर कोई भी स्थायी रूप में अध्यक्ष नहीं था। ठीक है, तो जब बच्चों यहां पर संविधान सभा की पहली बैठक का जब आयोजन किया गया था बच्चों तो यहां पर टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में मीन्स अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बच्चों किसे नियुक्त किया गया था, पहले ये बात आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बच्चों यहाँ पर संविधान के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बच्चों नियुक्त किया जाता है। फिर आगे चलकर संविधान सभा के बच्चों दो दिन बाद दूसरी बैठक का जब आयोजन होता है बच्चों 11 दिसंबर 1946 को जब आपकी संविधान सभा की बच्चों दूसरी बैठक का जब यहाँ पर आयोजन होता है बच्चों दूसरी बैठक का जब आयोजन किया जाता है बच्चों तब आपके संविधान के बच्चों परमानेंट प्रेसिडेंट बना जाते हैं, यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में बच्चों यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो किसे नियुक्त किया जाता है बच्चों स्थायी अध्यक्ष के रूप में, बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बच्चों यहाँ पर क्या है स्थायी अध्यक्ष के रूप में विद्यार्थियों क्या नियुक्त किया जाता है। तो पूछा जा रहा है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे, तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष बच्चों यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है और यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बनते हैं बच्चों आपके कौन, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद जी बच्चों यहाँ पर संविधान सभा के बच्चों आपके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस आधार पर बच्चों आपका आंसर क्या था, यहाँ पर आप लोग सभी विद्यार्थी देखोगे कि यहाँ पर विद्यार्थी आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग ए ऑप्शन यहाँ पर इसको जो है राइट रखिएगा सारे विद्यार्थीगण। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन नंबर नाइन पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर नाइन पर बच्चों क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर नाइन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय जो है प्रतीक पर बच्चों उल्लेखित बच्चों आपका सत्यमेव जयते जो शब्द है किस उपनिषद से बच्चों इसको जो है लिया गया है। तो किस उपनिषद से बच्चों से लिया गया है, प्रश्नोपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या केनोपनिषद। तो यहां पर बच्चों जो आपका सत्यमेव जयते आप सभी लोग जानते होंगे मुख्य रूप से बच्चों किस उपनिषद में, बच्चों हमें लोग जानते बच्चों ये मुख्य रूप से आपके मुंडक उपनिषद या फिर इसे हम लोग बच्चों मुंडको उपनिषद के नाम से बच्चों मुंडको उपनिषद के नाम से बच्चों जानते हैं। और इसी मुंडक और मुंडको उपनिषद में ही बच्चों आपके सत्यमेव जयते शब्द का वर्णन बच्चों क्या है किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो राइट आंसर था यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बच्चों यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुता के जो सिद्धांत हैं इनको बच्चों किस देश के संविधान से बच्चों इनको अपनाया गया है। तो यहां पर बच्चों ये तीनों शब्द आपको मालूम चल रहा होगा बच्चों, ये संविधान के प्रस्तावना में बच्चों ये वर्णन किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में बच्चों इन तीनों शब्दों का हमें वर्णन जो है प्राप्त होता है, प्रस्तावना में बच्चों इन हमें तीनों शब्दों का हमें क्या वर्णन जो है प्राप्त होता है प्रस्तावना में। देखिए बच्चों कितने प्रकार के प्रस्तावना में आपके कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया विद्यार्थियों, तो आप सभी लोग जानते बच्चों तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। कौन कौन से न्याय बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय बच्चों, यहाँ पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय बच्चों, राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के बच्चों न्याय का वर्णन किया गया था। तो मैंने बताया था बच्चों केवल न्याय को छोड़कर सारी चीजें लगभग कहां से ली गई थी, फ्रांस के संविधान से। और बच्चों इनको कहां से लिया गया था, मैंने बताया था बच्चों इन्हें मुख्य रूप से रूस की क्रांति से बच्चों इन्हें कहां से लिया गया था बच्चों, यहां पर जो न्याय है बच्चों सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। जबकि बच्चों यहां पर पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है आपकी प्रस्तावना में। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया बच्चों आपकी प्रस्तावना में, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का बच्चों यहाँ पर उल्लेख प्राप्त होता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख प्राप्त होता है बच्चों, तो आप सभी लोग जानते हो कि पांच प्रकार की बच्चों यहाँ पर आपकी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे तो बच्चों यहाँ पर पहली जो स्वतंत्रता है बच्चों आपकी थॉट हो गई बच्चों, यहाँ पर क्या बच्चों विचार हो गया विचार। और दूसरी स्वतंत्रता बच्चों क्या है, दूसरी यहाँ पर स्वतंत्रता दूसरी बच्चों यहाँ पर अभिव्यक्ति बच्चों एक्सप्रेशन, क्या बच्चों अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेशन, क्या बच्चों एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति 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 बच्चों यहाँ पर आपकी दूसरी स्वतंत्रता होगी। और तीसरी प्रमुख स्वतंत्रता कौन थी बच्चों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास बच्चों यहाँ पर बिलीफ बच्चों याद रखिएगा सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखिएगा बिलीव हो गया बच्चों यहाँ पर आपका यहाँ पर बिलीव हो गया बच्चों विश्वास हो गया। और यहाँ पर चौथी बच्चों यहाँ पर आपके फेथ हो गया बच्चों यहाँ पर फेथ मीन्स यहाँ पर विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म की स्वतंत्रता बच्चों धर्म की स्वतंत्रता। और पांचवी स्वतंत्रता बच्चों यहाँ पर उपासना बच्चों याद रखिएगा वर्शिप, क्या बच्चों वर्शिप मीन्स उपासना।
तो सारे विद्यार्थीगण जानते हो कि आपके प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन बच्चों यहाँ पर क्या किया गया है। लेकिन बच्चों ये आपके प्रस्तावना में शामिल जो स्वतंत्रता है बच्चों किस देश के संविधान से लिया गया था, तो मैंने बच्चों यहाँ पर बताया था इससे कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से। कहाँ से बच्चों, फ्रांस से। और इसी प्रकार बच्चों आपके प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार की समता बच्चों, कितने प्रकार की समताओं का वर्णन किया, 2 प्रकार की। कौन कौन सी बच्चों, कौन कौन सी, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। क्या बच्चों, प्रतिष्ठा मीन्स स्टेटस, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर की समता बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों कितने प्रकार की इक्वालिटी की बात की जा रही है, इक्वालिटी की, तो 2 प्रकार की इक्वालिटी। और लिबर्टी कितनी प्रकार की बच्चों, यहाँ पर आपकी 5 प्रकार की लिबर्टी की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। इक्वालिटी 2 बच्चों यहाँ पर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और इसे बच्चों कहाँ से लिया गया बच्चों, याद रखिएगा, इनको भी बच्चों कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। और तीसरा शब्द बच्चों यहाँ पर बंधुता। क्या बच्चों, यहाँ पर तीसरा जो शब्द है बंधुता बच्चों, यहाँ पर तीसरा शब्द है बंधुता मीन्स भाईचारे की भावना। क्या बच्चों, भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। और इसे बच्चों कहाँ से लिया गया, इसे भी बच्चों कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। कहाँ से बच्चों, फ्रांस से। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन तीनों कहाँ से लिया गया बच्चों, फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहाँ से, फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर बच्चों आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के जो सिद्धांत थे किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर कहा था, क्या था बच्चों, यहाँ पर फ्रांस के संविधान से। यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का जो आंसर था ए ऑप्शन राइट आंसर था, ठीक है। यहाँ पर प्रस्तावना आप सभी लोग जानते हो बच्चे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बच्चों यहाँ पर क्या लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था बच्चों, जिससे हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसे ही हम लोग बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। कब लाया गया था बच्चों, आप सभी लोग जानते हो, 13 दिसंबर 1947 को बच्चों लाया गया था। इसे कब स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को बच्चों इसे स्वीकार किया गया था। और यही बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव ही आपके प्रस्तावना का बच्चों क्या आधार बनता है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों देखिए, कनाडा के संविधान से बच्चों क्या लिया गया है, आप लोग जानते होंगे कनाडा के संविधान से हमारे देश में क्या लिया गया बच्चों, तो आप सभी लोग जानते होंगे, मजबूत केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की जो प्रावधान है हमारे संविधान में, कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से। मजबूत केंद्र के साथ बच्चों संघीय जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है बच्चों कहाँ से लिया गया बच्चों, कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से एक और महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों कि अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, रेजुडरी जो पावर हैं, अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं बच्चों, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके हाथों में, केंद्र के हाथों में, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ बच्चों केंद्र के हाथों में, इसका जो प्रावधान है बच्चों कहाँ से लिया गया है, केंद्र के हाथों में निहित होती है। इसका भी जो प्रावधान है बच्चों कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। आयरलैंड से विद्यार्थियों क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया बच्चों, देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मीन्स DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आयरलैंड के ही संविधान से और क्या लिया बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है वो कहाँ से लिया गया बच्चों, ये आयरलैंड से लिया गया है। और बच्चों राष्ट्रपति के जो निर्वाचन जो पद्धति है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है बच्चों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है ये कहाँ से लेगा बच्चों, आयरलैंड के संविधान से लेगा। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया बच्चों, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, देखिए यहाँ पर जरा मैं आपको अच्छे समझा ही देता हूँ। यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा, यहाँ पर अगर बात करूँ विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से बच्चों कनाडा का देख लिया, इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही थी बच्चों आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यहाँ पर बच्चों बात की जा रही थी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से विद्यार्थियों
मिस आयरलैंड के संविधान से विद्यार्थियों, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपके संविधान में ली गई हैं, तो सारे साथीगण यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर बच्चों मुख्य रूप से आपके DPSP, क्या बच्चों DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव, यहाँ पर सारे साथीगण याद रखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या बच्चों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो प्रावधान है बच्चों, यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत हैं, नीति निदेशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो याद रखिएगा आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया बच्चों। और आयरलैंड के इस संविधान से और क्या लिया गया बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन विद्यार्थियों, क्या बच्चों यहां पर याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन बच्चों कहाँ से लेगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एक और महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स यहाँ पर बच्चों बात की जा रही प्रेसिडेंट, किसकी बात की जा रही प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है कहाँ से ली गई बच्चों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है बच्चों आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विद्यार्थियों राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है बच्चों कहाँ से लिया गया है, इसको बच्चों आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया, यहाँ पर बच्चों ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की अगर बात करूं, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की अगर बात करूं बच्चों, तो यहां पर आपको समझ में आएगा बच्चों सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है बच्चों एकल नागरिकता का विद्यार्थियों यहाँ पर जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसके साथ है बच्चों यहाँ पर आपके जो संसदीय जो व्यवस्था, पार्लियामेंट जो सिस्टम है बच्चों, ये भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था को बच्चों कहाँ से लिया गया, पार्लियामेंट सिस्टम को, जो हमारे सरकार का स्वरूप है, संसदीय स्वरूप है, तो पार्लियामेंट सिस्टम को बच्चों कहाँ से लिया गया बच्चों, तो याद रखिएगा इसे बच्चों हम लोगों ने कहाँ से लिया है, इसे जो हम लोगों ने यहीं से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ पर बच्चों रूल ऑफ लॉ मीन्स विधि का शासन, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ को बच्चों कहाँ से लिया है, तो सारे साथीगण याद रखेंगे इसको भी बच्चों हम लोगों ने कहाँ से लिया, ब्रिटिश के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए, ब्रिटिश संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली बच्चों कहाँ से लिए गए, मंत्रिमंडल प्रणाली को कहाँ से लिया गया, आपके यहाँ पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया बच्चों, ये सारे साथीगण। विधायी प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया बच्चों, यहाँ पर जो आपकी विधायी जो प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया को भी बच्चों यहीं से लिया गया है, ये भी बात आप सभी साथीगण यहाँ पर। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लेंगे बच्चों, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लेंगे बच्चों, याद रखिए संसद से संबंधित कोई भी मामला हो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, संसदीय विशेषाधिकार बच्चों यहाँ पर कहाँ से ले गए हैं, आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो आंसर था, आप सभी लोगों को मालूम था यहाँ पर जो आंसर था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था, क्योंकि पूछा गया था विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे यहाँ पर स्वतंत्रता समानता, तो यहाँ पर बच्चों ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सोर्स से क्वेश्चन पूछ लिया गया, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर अवगत करा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर सारे साथीगण फटाफट जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे।
सारे साथीगढ़ यहाँ पर नजर डालेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर संविधान का कौन सा भाग बच्चों नागरिकता के बारे में वर्णन करता है, तो देखिए भाग एक में बच्चों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन बच्चों। यहाँ पर बच्चों भाग दो में आपके नागरिकता मीन्स सिटीजनशिप के बारे में वर्णन है, भाग तीन में बच्चों फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, भाग चार में बच्चों डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया। तो नागरिकता के बारे में बच्चों यहाँ पर कौन वर्णन करता है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, भाग बच्चों यहाँ पर सेकेंड में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर सारे साथियों का आंसर क्या था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जरा 12 पर सारे साथी का नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर बच्चों यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का यहां पर वर्णन किया गया बच्चों। तो अभी मैंने बताया बच्चों कि भाग चार में तो आपके डीपीएसपी का वर्णन किया गया है मीन्स राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का, भाग सेकेंड में बच्चों यहां पर आपके सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता का वर्णन किया गया है, भाग तीन में आपके फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है, भाग चार में बच्चों यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में वर्णन किया है बच्चों। तो यहाँ पर पूछा जा रहा फंडामेंटल राइट के बारे में, तो यहाँ पर सभी बंधुओं का आंसर क्या था बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। और फंडामेंटल राइट बच्चों आप सभी लोग जानते हो आर्टिकल बच्चों यहाँ पर मुख्य रूप से आपके 12 से लेकर 35 तक बच्चों फंडामेंटल राइट हैं, और सिटीजनशिप बच्चों किस आर्टिकल में सिटीजनशिप का प्रावधान, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, और डीपीएसपी का प्रावधान बच्चों आर्टिकल जो है अगर बात करें किस आर्टिकल में, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, और बच्चों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बच्चों यहाँ पर आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर तेरह पर सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान का बच्चों कौन सा अनुच्छेद धर्म वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, बच्चों धर्म वंश जाति लिंग के आधार पर, तो मैंने विद्यार्थियों आपको बताया था कि धर्म के आधार पर वंश के आधार पर धर्म वंश जाति लिंग और आपके जन्म स्थान के आधार पर बच्चों कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों आपके फंडामेंटल राइट का आर्टिकल बच्चों 15 जो है कहता है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, क्या बच्चों, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की बात करता है आपका आर्टिकल 15, और किस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता बच्चों, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, इन 5 आधारों पर बच्चों किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अन्य आधारों पर किया जा सकता है, लेकिन इन आधारों पर बच्चों किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, नहीं तो उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो सीधा सीधा जो आंसर था आपका आंसर क्या था बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। जबकि आर्टिकल 19 में बच्चों यहाँ पर सभी लोग जानते हो कि आर्टिकल 19 में यहाँ पर बच्चों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया बच्चों, और अनुच्छेद 23 में बच्चों यहाँ पर मानव दुर्व्यापार बच्चों यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध बच्चों यहाँ पर आर्टिकल आपके 23 में है। ठीक है, और आर्टिकल 19 में बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि आर्टिकल, अगर 19 की बात करूँ तो आर्टिकल 19(1) के ए में क्या है बच्चों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में क्या है बच्चों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में क्या है बच्चों, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी में क्या है बच्चों, यहाँ पर तीसरे में क्या है, यहाँ पर संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता, और चौथे में क्या है बच्चों, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, और यहाँ पर बच्चों पांचवी क्या है बच्चों, कहीं पर भी घूमने बसने और निवास करने की स्वतंत्रता, और यहाँ पर कोई भी वृत्ति जो है कारोबार करने की स्वतंत्रता बच्चों, ये आपके आर्टिकल 19 में ही है।
और आर्टिकल 25 में क्या बच्चों, किसी भी धर्म के अंतःकरण, किसी धर्म के बच्चों अंतःकरण और अंतःकरण के साथ साथ बच्चों धर्म को अपनाने, धर्म को जो है अपनाने, धर्म को अपनाने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता की बच्चों यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो आपका जो आंसर था यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए बच्चों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीत जो है बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चों भारतीय संविधान किस भाग में राज्य के बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस जो है किस राज्य के नीत निदेशक सिद्धांत के बारे में वहाँ पर वर्णित किया गया बच्चों, तो आप सभी लोग जानते हो कि भाग 4 में बच्चों DPSP का यहाँ पर बच्चों वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर क्या था, डी ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपका है, सारे साथीगढ़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो देखिए बच्चों ये आपका क्या है प्यारा भारत है, जरा देखने का प्रयास करिए, ये बच्चों क्या है आपका प्यारा भारत है, जरा सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर जरा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देखोगे इधर क्या है पाकिस्तान की सीमा है आपकी, इधर आपकी पाकिस्तान की सीमा है और इधर बच्चों आपकी अफगानिस्तान की सीमा है। ठीक है, इधर आपकी अफगानिस्तान की सीमा है और इधर बच्चों यहाँ पर आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी चाइना की सीमा है बच्चों, चीन की सीमा है। और बच्चों यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर बच्चों आपकी मुख्य रूप से किसकी सीमा है, म्यांमार की सीमा है बच्चों, यहाँ पर आपकी मुख्य रूप से म्यांमार की सीमा है और यहाँ पर बच्चों आपका क्या है बांग्लादेश, क्या बच्चों बांग्लादेश। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा किसके साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई सबसे अधिक है, तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी अगर जानते हो कि पाकिस्तान के साथ बच्चों कितनी है 3323 किलोमीटर बच्चों, 3323 किलोमीटर, जबकि अफगानिस्तान के साथ बच्चों 106 किलोमीटर और चीन के साथ बच्चों यहाँ पर 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ बच्चों 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर बच्चों, 4096 किलोमीटर। और यहाँ पर बच्चों आप लोग देखोगे यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर आपका भूटान है, तो नेपाल के साथ कितनी बच्चों 1751 किलोमीटर और यहाँ पर बच्चों भूटान के साथ 699 किलोमीटर, ये भूटान हो गया, नेपाल हो गया, 1751 बच्चों। तो यहाँ पर एक ट्रिक भी है बच्चों, यहाँ पर ट्रिक भी याद रखिएगा, ट्रिक भी याद रखिएगा इस आधार पर भी, बचपन में MBA, क्या बच्चों बचपन में MBA विद्यार्थियों, बचपन में MBA का मतलब क्या हो गया, बी फॉर बांग्लादेश बच्चों, बी फॉर बांग्लादेश 4096 और सी फॉर बच्चों चाइना कितनी 3488 किलोमीटर और पी फॉर पाकिस्तान बच्चों यहाँ पर 3323 किलोमीटर और नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये आप इस ट्रिक्स के माध्यम से भी याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लंबाई है किसके साथ बच्चों, बांग्लादेश के साथ है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपका राइट आंसर क्या था, डी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर था, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या बच्चों आपका राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 16 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे कि भारत का सुदूर बच्चों पूर्वी बिंदु क्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर बात करें भारत की जो है विस्तार की बात करें, अगर भौगोलिक विस्तार की, तो देखिए बच्चों ये आपका उत्तरी बिंदु हो गया, ये आपका दक्षिणी बिंदु हो गया। यहाँ पर मुख्य रूप से बात की जा रही है बच्चों भारत के उत्तरी सीमांत बिंदु, दक्षिणी सीमांत बिंदु, पूर्वी सीमांत बिंदु और पश्चिमी सीमांत बिंदु। तो उत्तरी सीमांत बिंदु क्या है बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं जान लीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या है इंदिरा कौल हो गया बच्चों, क्या बच्चों आपका इंदिरा कौल, जो कि कहाँ पर बच्चों आपके लद्दाख पर अवस्थित बच्चों, कहाँ पर आपके लद्दाख पर। और यहाँ पर बच्चों आपका जो पश्चिमी सीमांत बिंदु है, यहाँ पर वेस्टर्न जो फ्रंटियर पॉइंट बच्चों, जिसे हम लोग किस नाम जानते बच्चों, कहीं पर आपको गुहार मोती मिलेगा, गुहार मोती या कहीं पर बच्चों आपका गौर माता मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों दोनों शब्दों को ध्यान दीजिएगा बच्चों, और ये कहाँ पर बच्चों मुख्य रूप से आपके गुजरात पर, कहाँ पर बच्चों ये आपके मुख्य रूप से गुजरात पर। और यहाँ पर बच्चों आपका जो पूर्वी सीमांत बिंदु है, ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। पूर्वी सीमांत बिंदु कौन सा बच्चों, यहाँ पर सारे विद्यार्थी को याद रखेंगे किबूती, क्या ना बच्चों
की बूथी बच्चों यहाँ पर सारे विद्यार्थी गण याद रखेंगे की बूथी, ये बच्चों कहाँ पर है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश पर है। कहाँ पर बच्चों, ये आपके अरुणाचल प्रदेश पर, अरुणाचल प्रदेश पर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पर। और यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें केप कैमोरिन या कन्याकुमारी, सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है पूर्वी सीमांत बिंदु कौन है, पूर्वी सीमा बिंदु कौन है, तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का आंसर डी ऑप्शन। एक बार जरा फटाफट जरा कमेंट करके सारे विद्यार्थीगण बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका राइट आंसर है। सभी विद्यार्थीगण एक बार कमेंट करिए फटाफट जरा बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग जरा कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा 17, क्वेश्चन नंबर जरा 17 पर सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया बच्चों, देखिए यहाँ पर पूछा गया है किस देशांतर को बच्चों भारत की मानक समय रेखा बच्चों चुना गया है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं क्या बच्चों, ये देखिए ये आपका प्यारा भारत है, क्या बच्चों जरा समझने का प्रयास करिए बच्चों, ये आपका प्यारा भारत है। सभी विद्यार्थीगण जरा यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर सारे विद्यार्थीगण जरा देखने का प्रयास करेंगे। और बच्चों यहाँ पर अगर भारतीय मानक समय रेखा की विद्यार्थियों अगर बात करूँ तो भारतीय मानक समय रेखा बच्चों आप सभी लोग जानते हो 82.5 डिग्री बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो बच्चों 82.5 डिग्री, यहाँ पर 82.5 डिग्री बच्चों पूर्वी देशांतर रेखा को ही, पूर्वी देशांतर रेखा को ही बच्चों भारतीय मानक समय रेखा के नाम से, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा के नाम से बच्चों, भारतीय मानक समय रेखा के नाम से बच्चों जानते हैं। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बच्चों, और छत्तीसगढ़, और उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर विद्यार्थी गुजरती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती बच्चों। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे हम लोग भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आपको, 82.5 डिग्री देखिए बच्चों, यहाँ पर 82.5 डिग्री यहाँ पर पूर्वी देशांतर की बात की जा रही है बच्चों, यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये आपकी भारतीय मानक समय रेखा है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जरा 18 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बच्चों यहाँ पर जो राज्य कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर एरिया के आधार पर पूछा जा रहा है, एरिया के आधार पर बच्चों भारत का सबसे बड़ा जो राज्य बच्चों आप सभी लोग जानते हो आपका राजस्थान, फिर बच्चों यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर बच्चों यहाँ पर उत्तर प्रदेश, फिर आपका गुजरात। तो यहाँ पर शीर्ष 5 कम से कम आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर शीर्ष 5 यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों सबसे जो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य कौन सा बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछा जाए, तो यहाँ पर बच्चों आपका सभी विद्यार्थियों का एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम सरल क्वेश्चन, यहाँ पर राजस्थान बच्चों सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जरा 19 पर सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर नजर डालेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों द्वीपों क्षेत्र के, द्वीप क्षेत्र सहित बच्चों यहाँ पर भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई बच्चों कितनी है। तो सभी विद्यार्थीगण देखिए बच्चों ये क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर बात करूं तो ये बच्चों यहाँ पर क्या है आपका प्यारा भारत है, ये बच्चों क्या है आपका, ये बच्चों यहाँ पर आपका प्यारा भारत है। तो सभी विद्यार्थीगण जरा यहाँ पर देखने का जरा प्रयास करेंगे, यहाँ पर सारे विद्यार्थीगण जरा देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों इधर क्या है बच्चों, यहाँ पर इधर आपका जो है बच्चों इधर क्या है अरब का अरब सागर है बच्चों, इधर आपका अरब सागर है, और इधर बच्चों आपको क्या है बंगाल की खाड़ी है, क्या बच्चों इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका अरब सागर है, और इधर बच्चों आपकी बंगाल की खाड़ी है, क्या बच्चों बंगाल की जो है इधर क्या है बंगाल की विद्यार्थियों इधर क्या खाड़ी है। और यहाँ पर बच्चों तटीय सीमा रेखा की लंबाई पूछी जा रही है, तटीय सीमा रेखा की लंबाई विद्यार्थियों पूछी जा रही है, मीन्स गुजरात से लेकर के बच्चों यहाँ से लेकर के आपके वेस्ट बंगाल तक, मीन्स यहाँ पर बच्चों आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया बच्चों, आपका गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बच्चों,
और आपका उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल बच्चों, ये आपके नौ तटीय राज्य हैं। और यहाँ पर बच्चों आपका लक्षद्वीप है और इधर बच्चों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो बच्चों इनको मिलाने से, मतलब कहने का मतलब ये द्वीपों को मिलाकर के बच्चों भारत की तुट कुल जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी, बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि द्वीपों सहित अगर बात किया जाए बच्चों, द्वीपों सहित बच्चों यहाँ पर कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी बच्चों, 7 यहाँ पर याद रखिएगा 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर या कहीं कहीं पर बच्चों 7 मिल जाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक जब होता है तो उसे एक मान लिया जाता है, तो 7 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर बिना द्वीप को अगर शामिल किए हुए, बिना द्वीप के बच्चों अगर द्वीप को शामिल न किया जाए, बिना द्वीप के तटीय बच्चों यहाँ पर सीमा रेखा की, तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तटीय सीमा रेखा की जो लंबाई है, तटीय सीमा रेखा की विद्यार्थी यहाँ पर जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। ये भी आप सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पर गुजरात की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी बच्चों, आप सभी लोग जानते हो 1214 किलोमीटर है, जबकि महाराष्ट्र की बच्चों कितनी है, 652 किलोमीटर है। गोवा की विद्यार्थियों कितनी, गोवा की बच्चों यहाँ पर 101 किलोमीटर है। और बच्चों यहाँ पर कर्नाटक की कितनी है, 280 किलोमीटर है। और यहाँ पर बच्चों केरला की कितनी बच्चों याद रखिएगा, 569 किलोमीटर है, 569 किलोमीटर विद्यार्थियों, ठीक है, यहाँ पर सारे साथीगण याद रखेंगे। और यहाँ पर बच्चों वेस्ट बंगाल की कितनी बच्चों, 157 किलोमीटर। उड़ीसा की कितनी बच्चों, 476 किलोमीटर। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बच्चों कितनी है, 973 किलोमीटर। और यहाँ पर बच्चों तमिलनाडु की बच्चों कितनी है, 906 किलोमीटर। तो सभी विद्यार्थीगण इस बात को भी यहाँ पर क्या है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बच्चों पूछा है द्वीपों सहित बच्चों यहाँ पर तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, समुद्र तट की कुल लंबाई बच्चों यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जरा 20 पर सारे साथीगण डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या डिमांड बच्चों, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में बच्चों जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों पूर्व का एथेंस बच्चों मदुरै को कहा जाता है बच्चों, किसे, मदुरै को बच्चों पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ये जीके का क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर है बच्चों, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बच्चों कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि बैरन द्वीप बच्चों भारत का, ये बच्चों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का बच्चों एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र बच्चों ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय जो है ज्वालामुखी बच्चों। और मुक्त ग्रुप से बच्चों कहाँ पर अवस्थित, इसका लोकेशन क्या है, तो याद रखिए बच्चों कहाँ पर, ये सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, मिडिल अंडमान पर बच्चों, मध्य अंडमान के बच्चों पूर्व में, ये सभी विद्यार्थीगण याद रखिए, मध्य अंडमान के बच्चों पूर्व में बच्चों ये आपका बैरन द्वीप स्थित जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम आइसलैंड बच्चों ये भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है। बच्चों याद रखिए ये भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है, सभी विद्यार्थीगण इस बात को भी याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो डोरमेंट जो वोल्केनो है भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी बच्चों आपका नारकोंडम है बच्चों, ज्वालामुखी क्या नाम बच्चों, नारकोंडम। ये कहाँ पर अवस्थित बच्चों, ये बच्चों यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, ये बच्चों मुख्य रूप से आपके उत्तरी अंडमान पर, कहाँ पर बच्चों, ये आपके उत्तरी अंडमान पर अवस्थित है, ये आपके विद्यार्थियों उत्तरी अंडमान पर जो है अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है, तो यहाँ पर सारे विद्यार्थी जरा कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका बिल्कुल विद्यार्थियों ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर सारे विद्यार्थियों नजर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही अद्भुत है और आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किस द्वीपों को बच्चों यहाँ पर विभाजित करता है। यहाँ पर आप लोगों ने 6 डिग्री सुना होगा, 6 डिग्री चैनल जो कि ग्रेट निकोबार, जो कि बच्चों आपके ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को विभाजित करता है,
ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को बच्चों विभाजित करता है। और सुमात्रा कहाँ पर बच्चों, ये आपके इंडोनेशिया पर बच्चों, ये सुमात्रा कहाँ का है द्वीप, इंडोनेशिया, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने 8 डिग्री चैनल सुना होगा, 8 डिग्री चैनल बच्चों ये आपके मुख्य रूप से बच्चों मालदीव, क्या बच्चों मालदीव और मिनिकाय को विभाजित करता है, मालदीव और मिनिकाय को विभाजित करता है। फिर इसके बाद 9 डिग्री चैनल सुना होगा आपने, तो 9 डिग्री चैनल बच्चों मिनिकाय और लक्षद्वीप को विभाजित करता है, मिनिकाय और लक्षद्वीप को विभाजित करता है बच्चों, लक्षद्वीप को विभाजित करता है। और 10 डिग्री चैनल बच्चों आपका, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बच्चों ये अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। और ग्रेट चैनल बच्चों आपका, जो ग्रेट चैनल है ये ग्रेट चैनल बच्चों किससे विभाजित करता है, आप सभी लोग जानते हो बच्चों, ग्रेट चैनल बच्चों मुख्य रूप से आपके इंदिरा पॉइंट, क्या बच्चों इंदिरा पॉइंट, सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट और बच्चों यहाँ पर इंडोनेशिया को, सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा जा रहा है ग्रेट पॉइंट, तो यहाँ पर बच्चों बात पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। तो यहाँ पर सारे साथीगण एक बार फटाफट जरा आंसर देने, ग्रेट चैनल बच्चों यहाँ पर इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर 11, हाँ 11 की बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मिनिकाय और लक्षद्वीप बच्चों, यहाँ पर मिनिकाय और लक्षद्वीप को बच्चों यहाँ पर तो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल विभाजित करता है। अंडमान निकोबार को बच्चों यहाँ पर आपका 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। और मालदीप और लक्षद्वीप को, मालदीप और लक्षद्वीप को, तो यहाँ पर बच्चों मालदीप लक्षद्वीप को नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मिनिकाय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल हो गया। और यहाँ पर बच्चों मालदीप के साथ बच्चों यहाँ पर मिनिकाय होना चाहिए, यहाँ पर आपसे गलत लिखा हुआ विद्यार्थियों। तो यहाँ पर सारे विद्यार्थियों याद रखें यहाँ मिनिकाय जो कि बच्चों मुख्य रूप से ये 8 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अमीनी द्वीप बच्चा बच्चों, तो याद रखिएगा अमीनी द्वीप और बच्चों कन्नानोर बच्चों ये आपके 11 डिग्री चैनल के द्वारा बच्चों आपस में विभाजित होते हैं। ये बहुत अद्भुत क्वेश्चन पूछ लिया गया था और सभी विद्यार्थियों ने गलत कर दिया था, तो क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग 6, 8, 9, 10 ये सब पढ़ लेते हैं लेकिन यहाँ पर ये रह गया। तो 11 डिग्री चैनल याद रखिए अमीनी द्वीप और कन्नानोर को बच्चों आपस में क्या विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों डी ऑप्शन यहाँ पर सारे साथियों का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पर सारे साथी गणना जो डालेंगे, क्या पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में कि प्रसिद्ध विकासवादी बच्चों, यहाँ पर एक साइंस का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में बच्चों अपने सिद्धांत का बच्चों यहाँ पर प्रतिपादन किया था। तो कौन नहीं जानता डार्विनवाद को, कौन नहीं जानता इनके विकासवाद सिद्धांत को, तो सारे विद्यार्थीगण इनके पुस्तक का नाम बताइए बच्चों जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बच्चों। तो आप सभी लोग जानते हो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बच्चों इनकी प्रमुख पुस्तक थी बच्चों, द ओरिजिन ऑफ बच्चों स्पेसीज इनकी प्रमुख जो है पुस्तक थी बच्चों। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन विद्यार्थियों आपका राइट आंसर। फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 ये साइंस का ही क्वेश्चन है कि उद विकास का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों उद विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही तो दिया गया था बच्चों, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही तो विद्यार्थियों सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, सोचिए ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किया, आप लोग देख रहे हो बच्चों अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक समझ है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप लोग हैंडल ना कर पाए, सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको भी इसी तरह जो क्वेश्चन क्या है सॉल्व करना है। तो या तो उद विकास का सिद्धांत बच्चों किसने दिया, तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या था आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा बच्चों यहाँ पर उद विकास नामक सिद्धांत बच्चों यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 पर सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बच्चों किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, कौन नहीं जानता है आनुवांशिकी का जनक, जरा कमेंट करके बताइए विद्यार्थी। डार्विन, मेंडल, लैमार्क, डेब्रिज, तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों यहाँ पर जो आनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है बच्चों मुख्य रूप से किसे कहा जाता है बच्चों, यहाँ पर मेंडल को बच्चों यहाँ पर आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है बच्चों, मेंडल को बच्चों यहाँ पर आनुवांशिकी का क्या है जनक जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर सारे साथियों का जो आंसर था क्या था यहाँ पर बच्चों आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर, ये बात आप सभी विद्यार्थी का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर सभी विद्यार्थी गण डालिए
कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों 23 जोड़े में, यहाँ पर 23 दुना कितना हो जाएगा बच्चों 46 गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े में बच्चों, यहाँ पर 23 जोड़े और यहाँ पर गुणसूत्र की बात की जाए बच्चों 23 दुना 46 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितने गुणसूत्र हो गए बच्चों 46 गुणसूत्र, आप सभी लोग जानते हो कि 46 गुणसूत्र होते हैं बच्चों यहाँ पर, तो सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा 46 बच्चों, यहाँ पर 46 सी ऑप्शन यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 पर सारे विद्यार्थी नजर डालेंगे कि बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है डाउन सिंड्रोम क्या है जो बौद्धिक कठिनाइयां और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। तो देखिए बच्चों यहां पर आप सभी लोग जानते होंगे कि बच्चों डाउन सिंड्रोम के कारण ही जो विद्या कुछ बच्चों को देखा होगा मंद बुद्धि के होते हैं या कहीं से विकलांग हो जाते हैं या उनके शारीरिक जो बनावट में जो विकास होनी चाहिए कहीं ना कहीं उसमें क्या हमें कमी देखने को मिलती है बच्चों। तो मंद बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य में विकास में कमी और दिव्यांगता का जो प्रमुख कारण डाउन सिंड्रोम है, ये बच्चों मुख्य रूप से क्या है, एक प्रकार की किस प्रकार की बीमारी है, कैसा रोग है बच्चों, तो आप सभी लोग जानते हो कि ये मुख्य रूप से हमारे जीनों से होता है और ये अनुवांशिक रोग है विद्यार्थियों, यहाँ पर याद रखिए बच्चों ये मुख्य रूप से बच्चों यहाँ पर जेनेटिक रोग है, ये अनुवांशिक रोग के नाम से बच्चों इसको जाना जाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 पर सारे साथी गण नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई बच्चों किसे कहा जाता है, तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों जीन को, किसे बच्चों जीन को ही अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई कहा जाता है, जीन को विद्यार्थियों कहा जाता है, तो यहाँ पर याद रखिए अनुवांशिकता की जो बुनियादी जो इकाई बच्चों कौन है, जीन, ये अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 पर सारे साथी गण डालेंगे, क्या पूछा जा रहा है बच्चों डीएनए का, बच्चों यहाँ पर जो आपका डीएनए है उसका दोहरी पेचदार जो संरचना की खोज किसने की थी, तो सभी विद्यार्थी जानते हो कि वाटसन एवं किकर के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा, वाटसन एवं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा वाटसन एवं बच्चों फ्रांसिस किकर के द्वारा बच्चों इसको मुख्य रूप से खोज की गई थी, डीएनए की बच्चों दोहरी जो है पेचदार संरचना की जो खोज की गई थी वाटसन एवं किकर के द्वारा, यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस किक के द्वारा बच्चों ये जो खोजा गया था, तो यहाँ पर सभी बंधुओं का आंसर सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी पर सारे साथीगण नजर डालेंगे, क्या पूछा जा रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है, तो बच्चों कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का हिस्सा बच्चों, तो याद रखिए बच्चों ये मुख्य रूप से मेरुदंड का हिस्सा बच्चों, किसका, ये कशेरुका जो बच्चों, ये जो कशेरुका है मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का हिस्सा बच्चों, मेरुदंड का हिस्सा है, तो सभी विद्यार्थी को याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बच्चों आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं यहीं पर जो है विराम देते हैं, और आज का सेशन विद्यार्थियों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार के सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, 17-18 फरवरी का एग्जाम है विद्यार्थियों, तो लगातार योद्धा की भांति यहाँ पर युद्ध करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज क्लास को हम लोग जो है यहीं पर विराम देते हैं, तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों।